तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात के बाद अब दिल्ली में MCD चुनाव लड़ने का ओवैसी ने किया ऐलान। 40 सीटों पर AIMM ने उतारे प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नोटबंदी में 50 दिन का झांसा देकर मोदी ने अर्थव्यवस्था को कर दिया चौपट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस यूक्रेन के बाद अब दो नाटो देशों के बीच छिड़ेगा युद्ध, एक है मुस्लिम तो दूसरा है ईसाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में 4000 मठ मंदिरों को सरकार ने नोटिस किया जारी, 3 महीने के अंदर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार मठ मंदिरों की कराएगी जांच, हिंदूवादी संगठनों को बिहार सरकार ने दिया झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली डबल इंजन सरकार में तेल भरना भूल गए बीजेपी नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेता ने दी है जानकारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की तैनाती के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान, कहा यूपी पुलिस बच्चों को कर रही है यूनिवर्सिटी में परेशान, पुलिस को हटाए हाईकोर्ट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के बाद अब दिल्ली में MCD चुनाव लड़ेंगे असुद्दीन ओवैसी। 40 सीटों पर AIMM ने प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान, बीजेपी और आपकी बढ़ेगी टेंशन। यह दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद असुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में MCD चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असुद्दीन ओवैसी ने 40 सीटों पर MIM के प्रत्याशी उतारने की बात कही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव कराने की घोषणा कर दी। इस बीच हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM भी MCD चुनाव में ताल ठोकेगी। ओवैसी मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों की 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इसी कड़ी में अब तक ओवैसी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इसमें AIMM ने मुस्तफाबाद के ब्रजपुरी वार्ड से सितारा मोहम्मद फखरुद्दीन और करावल नगर में श्रीराम कॉलोनी वार्ड से सरताज अली सैफी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें ज्यादातर करावत नगर, ओखला, चांदनी चौक, सीमापुरी, मुस्तफाबाद, बल्ली मरान, बाबरपुर, सीलमपुर, मटिया महल और सदर बाजार की विधानसभाएं शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असुद्दीन ओवैसी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी टेंशन में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में 4000 मठ मंदिरों को नोटिस, बिहार सरकार ने किया जारी, सभी पर बैन लगाने की है तैयारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 4000 से अधिक मठ मंदिरों को बिहार सरकार ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में 3 महीने के अंदर इन मठ मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि 3 महीने के अंदर करीब 4000 गैर पंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन कराना बिहार में होगा। बिहार के कानून मंत्री डॉक्टर समीम अहमद ने इसको लेकर प्रदेश के सभी 38 जिलों के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। कानून मंत्री समीम अहमद ने बीते शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि राज्य में कई मंदिरों के पुजारियों और मठों के महंतों ने जमीन ट्रांसफर कर दी है या फिर बेच दी है। इस मामले में बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसलिए मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जो मठ और मंदिर 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनको कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी जांच करवाई थी, जिसके बाद बिहार में इसका बदला लिया जा रहा है। बिहार में मठ मंदिरों की अब जांच होगी। आपकी क्या राय दोस्तों, मठ मंदिरों की जांच होनी चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नोटबंदी में 50 दिन का झांसा देकर राजा ने अर्थव्यवस्था को कर दिया चौपट। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने नोटबंदी के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी लागू करके प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजा ने नोटबंदी में 50 दिन का झांसा देकर देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि काला धन वापस भी नहीं आया, बस गरीबी आई, इकोनॉमी कैशलेस नहीं है, कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ और करोड़ों छोटे व्यापार और रोजगार खत्म हुए। उन्होंने कहा कि राजा ने नोटबंदी में 50 दिन का झांसा देकर देश की अर्थव्यवस्था
को ही खत्म कर दिया। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर नोटबंदी को लेकर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन के बाद अब इन दो नाटो देशों के बीच छिड़ेगा युद्ध, एक मुस्लिम तो दूसरा है ईसाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच अब नाटो समूह के दो ताकतवर देश तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है और इनमें कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। आपको बता दें कि ग्रीस और तुर्की नाटो के दो सबसे पुराने सदस्य हैं। ये दोनों ही देश 1952 में एक साथ नाटो में शामिल हुए थे। उनके रिश्ते नाटो में शामिल होने के पहले से ही खराब हैं। सदस्यता लेने के बाद दोनों देशों के रिश्ते मधुर बनाने के लिए काफी काम किया गया, लेकिन एजियन सागर पर अधिकार को लेकर दोनों देश एक बार फिर आमने सामने हैं, जिससे नाटो समूह के अंदर पहला युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व यूरोपीय देश तुर्की और ग्रीस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। इन दोनों देशों के पास नाटो समूह की सबसे बड़ी सैन्य ताकत मौजूद है। तुर्की के साथ लगातार विवाद होने के कारण ग्रीस कई वर्षों से रक्षा क्षेत्र में अपना खर्च GDP का 2% से अधिक रखता है। ग्रीस नाटो के उन गिने चुने देशों में आता है जो अपना रक्षा बजट GDP का 2% से ज्यादा रखता है। 2022 में ग्रीस का रक्षा बजट GDP के हिस्से से नाटो समूह में सबसे ज्यादा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन दोनों देशों में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने BJP पर साधा निशाना, बोली डबल इंजन में तेल भरना भूल गए BJP वाले। जय दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी में जुटी हैं। इस बीच सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाड्रा हरौली पहुंची, जहां उन्होंने ऊना स्थित कांगड़ा मैदान में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा मैदान के रास्ते में स्कूल के बच्चों से मुलाकात भी की। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी और की मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जिसे देवी देवताओं व संतों की धरती कहते हैं, इस धरती ने आपको बहुत बड़ी परंपरा दी, सच्चाई को परखने की परंपरा। जो गलत है, जो सच है, उसे परखिए। आज वह मौका आ चुका है। जब भी OPS की बात आती है, आप नारा लगाते हैं, तालियां बजाते हैं, क्योंकि ये आपकी मांग है जिसे बार बार ठुकराया जा रहा है। अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में OPS मिल सकती है तो फिर बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल सकती, इसकी सच्चाई को समझिएगा। प्रियंका गांधी ने आगे BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP नेता चुनाव में आकर डबल इंजन की सरकार के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि क्या पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार नहीं थी? पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार थी, तो आखिरकार BJP ने यहां पर क्या किया? क्या पिछले 5 सालों में BJP वाले डबल इंजन में तेल भरना भूल गए थे? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने BJP पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के कटिहार में BJP को लगा बड़ा झटका, BJP नेता संजीव मिश्रा की हत्या। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के कटिहार से BJP को आज बड़ा झटका लगा है। बिहार के कटिहार में BJP नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से सवार अज्ञात आरोपी मौके से भाग निकले। हत्या के बाद परिवार और उनके जानने वालों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस का कहना है कि दुश्मनी के चलते हत्या किए जाने का मामला लग रहा है, हम मामले की जांच कर रहे हैं। ये घटना सोमवार सुबह की है। कटिहार के बारसोई अनुमंडल तेल्ला गांव क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेता ने दी जानकारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, इसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। यात्रा के दौरान वह हर वर्ग के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। इसका वीडियो फोटोज कांग्रेस की तरफ से लगातार शेयर किया जा रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इस यात्रा से आदित्य ठाकरे भी जुड़ेंगे। इस बात की जानकारी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के एक नेता दी है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कल जो है रात में तेलंगाना के रास्ते महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार या आदित्य ठाकरे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की तैनाती के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान और अब्दुल्ला आजम। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका जौहर यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील करने और जगह जगह पुलिस का पहरा बिठाए जाने के खिलाफ दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस से अनावश्यक पुलिस फोर्स को हटाया जाए। यूनिवर्सिटी पर नियमों के खिलाफ जाकर जमीन अधिग्रहण करने के आरोप लगे हैं। इस याचिका में आजम खान और उनके बेटे ने 2019 के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया कि पुलिस का पहरा बिठाकर यूनिवर्सिटी के कामों में बेवजह दखल दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी सरकार ने किस तरह से आजम खान की यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर रखा है, उसमें पुलिस तैनात कर रखी है। इसके
के खिलाफ आजम खान हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या फैसला इस पर सुनाता है। सीबीएसई पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक पुलिस ने लिंगायत मटके संत के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर, नाबालिगों से दुष्कर्म का आरोपी माना। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को एक बड़े घटनाक्रम में कहा कि जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी लिंगायत संत शिव मूर्ति मुरुगा सर राणू के खिलाफ आरोपों को जांच के दौरान कायम रखा गया है। चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक के परशुराम ने बताया है कि मुख्य आरोपी दृष्टा के साथ आरोपी नंबर दो महिला छात्रावास वार्डन रश्मि और आरोपी नंबर चार परसमी के खिलाफ आरोप वैध हैं। पुलिस ने कहा है कि लिंगायत समुदाय के जो मटके संत हैं उनके खिलाफ जो हमने आरोप दायर किया गया है जिसमें हमने जाँच की है, उन्होंने नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया है और उन्हें हमने दुष्कर्म का आरोपी माना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लिंगायत मटके संत को लगभग अब उम्र कैद की सजा हो सकती है, इनकी जिंदगी अब बर्बाद हो गई है, बड़ा झटका इनको लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाक सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का दिया आदेश, इमरान खान अटैक को लेकर लिया स्वतः संज्ञान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 1 नंबर को पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हमला हुआ था, उनके दाहिने पैर में गोली लगी थी। हमले के समय इमरान खान लॉन्ग मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। सफल सर्जरी के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के स्वतः संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है और कहा है कि इमरान खान पर जिन लोगों ने भी हमला किया है, जिन लोगों ने भी हमला करवाया है, उन सभी की जांच की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।